दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है 2019 की मोस्ट आउटेड हॉरर कॉमेडी मूवी कंचना 3। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कब और कहाँ हमें इस मूवी को देखने को मौका मिलेगा। तो वीडियो को देखने के बाद आप हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप और कौन कौन सी साउथ मूवीज की इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए ला सकें उन सारे फिल्मों का अपडेट्स। दोस्तों फाइनली एक बहुत ही बड़ी और धमाकेदार न्यूज़ निकल कर आए हैं राघव लॉरेंस के मोस्ट आवर्टेड सीरीज कंचना की तीसरी पार्ट की, जिसका इंतजार आप में से कई लोगों को है। तो मैं लेकर आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए कंचना 3 की कंफर्म टेलीकास्ट डेट। तो दोस्तों अगर आप भी राघव लॉरेंस की फैन हैं और उनकी मूवीज देखना पसंद करते हैं और कंचना 3 मूवी को देखने के लिए इंतजार कर रहे हो, जल्द से जल्द इस मूवी की हिंदी डब वर्जन देखना चाहते हो, तो वीडियो को एक लाइक करके आखिर तक जरूर देख लेना, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं इस मूवी की हिंदी डब वर्जन कंफर्म टेलीकास्ट डेट। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स सबसे जल्दी और सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं लाइक के बटन प्रेस करके। दोस्तों साल 2007 पे रिलीज की गई मूवी कंचना का पहला पार्ट, जिस पर दर्शकों को द्वारा एक जबरदस्त रिस्पांस मिलने के साथ मूवी बॉक्स ऑफिस की कमाई में भी सबको पीछे छोड़ दिया था। और इसके डायरेक्टर एक्टर राघव लॉरेंस ने हर एक 3 साल बाद इसके हर एक पार्ट को रिलीज करना शुरू कर दिया है। उसके सारे पार्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। दोस्तों कंचना की सारे पार्ट हिंदी डब में रिलीज करने के बाद दर्शकों से एक अलग ही लेवल की रिस्पॉन्स मिला था। और ये देखने के बाद डायरेक्टर और एक्टर राघव लॉरेंस ने इस मूवी को बॉलीवुड पर भी रिमेक बनाने का, जिस पर अक्षय कुमार को कास्ट किया जाएगा। दोस्तों कंचना 3 एक तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी एक्शन मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है इस मूवी के लीड एक्टर राघव लॉरेंस ने। इस मूवी की कहानी पिछले वाले जैसे बदले की है, जो काफी आउटडेटेड हो चुका है, जिसके कारण ये मूवी ऑडियंस के तरफ से उस तरह की रिस्पॉन्स नहीं मिला था जिस तरह की रिस्पॉन्स उम्मीद किया गया था। दोस्तों इस मूवी को अप्रैल 2019 में रिलीज किया गया था, जिसे मूवी को एक अच्छी ओपनिंग तो मिल गई थी, लेकिन बाद में मूवी की ऑक्युपेंसी कम होते गए। दोस्तों इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग हासिल है 4.2 आउट ऑफ 10 की, और 85% लोगों ने इसे गूगल पर पसंद किया है, जो कि पहले वाले पार्टों से काफी कम है। तो दोस्तों अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये मूवी नॉर्थ इंडियन दर्शकों को कितना पसंद आते हैं। दोस्तों कंचना 3 की हिंदी डबिंग राइट्स जी इंडिया नेटवर्क्स ने खरीदा है और मूवी की हिंदी डबिंग भी खत्म हो चुका है, और मूवी हिंदी थिएटरों में रिलीज के लिए भी रेडी है। और उनका कहना है कि इस मूवी की वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 29 दिसंबर रात 8 बजे जी सिनेमा पर होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, और हो सकता है उसके आगे भी हो जाए और उसके 4 या 5 दिन बाद भी। तो दोस्तों इस मूवी की वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने से एक हफ्ता पहले ही ये मूवी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आए होंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर बंगाली समझते हो तो हमारे बंगाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहां पर मिलेगी बंगाली रोस्टिंग वीडियोस। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ये बंगाली रोस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी एक दूसरी बड़ी अपडेट्स में, तब तक के लिए आप रखिए अपने और अपने परिवारों का ख्याल। तो चलता हूं दोस्तों आज के लिए अलविदा।